अनमोल टीचर्स की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर। माननीय सरकार ने एक आदेश निकालकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन दिशा निर्देशों के आधार पर हम जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर और सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को आयोजित करें, तो आइए जानते हैं कि माननीय सरकार के क्या क्या दिशा निर्देश हैं और हमको उनका किस प्रकार पालन करना है। देखिए मित्रों, ये वो आदेश है जो माननीय सरकार ने जारी किया है। इसका विषय है स्वाधीनता दिवस समारोह 2020। महोदय, उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि स्वाधीनता दिवस समारोह 2020 15 अगस्त 2020 संपूर्ण राज्य में गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जावे। कार्यक्रम के आयोजन में कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे, जिनमें मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। इसका पहला बिंदु देखते हैं। संपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की जावे। दूसरा बिंदु, बच्चों एवं बुजुर्गों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम में आमंत्रित यानी शामिल नहीं किया जावे। तीसरा जो बिंदु है, कार्यक्रम में शामिल होने वाले महानुभावों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य। चौथा, कार्यक्रम स्थल पर आगंतुक के लिए थर्मल स्कैनिंग तथा हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था हो। पांचवा बिंदु देखते हैं, कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी, सफाईकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी को भी आमंत्रित करना है। इसका छठा बिंदु देखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम की थीम यथासंभव कोरोना पर आधारित रखी जाए। सातवां देखते हैं, यथासंभव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जन जागृति अभियान में शामिल जिंगल्स ऑडियो का कार्यक्रम से पूर्ण ध्वनि प्रसारण यंत्र से प्रसार करवाएं। इस संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवगण को प्रेषित पत्र दिनांक 20/7/2020 के प्रति संलग्न इसी के अनुरूप जिला मुख्यालयों पर अधोलिखित विविध कार्यक्रमों की अपेक्षा की जाती है, यानी कि जो जिला लेवल पर क्या क्या कार्यक्रम और किस प्रकार से रखने हैं उनके बारे में आगे बताया गया है। पहला देखते हैं, समस्त राज्य के भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। दूसरा, स्वाधीनता दिवस समारोह 2020 के अवसर पर दिनांक 15 अगस्त 2020 को संभागीय जिला मुख्यालय जयपुर को छोड़कर, क्योंकि जयपुर पर राज्य स्तरीय समारोह होता है, मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रमों में ध्वजारोहण के लिए प्रभारी मंत्री महोदयों के मनोनयन की सूचना पृथक से भेजी जा रही है। इन स्थानों पर प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। यदि इस अवसर पर प्रभारी मंत्री महोदय उपस्थित न हों तो ऐसी स्थिति में संभागीय मुख्यालय पर संभागीय आयुक्त और जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसका तीसरा बिंदु देखते हैं, संभागीय स्तर व जिला स्तर पर राष्ट्रीय पर्व को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा, जिसमें अर्धसैनिक बल, पुलिस की टुकड़ियां भाग लेंगी। यथासंभव सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन एवं सामूहिक नृत्य, देशभक्ति के गीत गाए जाएं। कोरोना महामारी के मद्देनजर छात्र छात्राओं को कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाएगा। चौथा बिंदु देखते हैं, जिलों के मुख्य समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश पढ़ा जाएगा, यह पृथक से आपके पास भेज दिया जाएगा। पांचवा देखते हैं, शिक्षण संस्थाएं अपने यहाँ समारोह की व्यवस्था करें तथा इस अवसर पर सामूहिक राष्ट्रगान भी करें। कोरोना महामारी के मद्देनजर छात्र छात्राओं को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, यानी कि छात्र छात्राओं को शामिल नहीं करना है। इसका छठा बिंदु देखते हैं, राष्ट्रीय एकता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए एवं कार्यक्रम में व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि जनता स्वयं उसमें आगे होकर भाग ले सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला अधिकारी स्थानीय समिति बनाए ताकि कार्यक्रम भली भांति उत्साहपूर्वक मनाया जा सके और उसकी क्रियान्विति यथोचित रूप से
की जा सके। कोरोना महामारी के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाए। सातवां देखते हैं, समस्त स्थानीय संस्थाओं और जनसाधारण से अनुरोध किया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज अपने अपने भवनों निवास स्थानों पर फहराएं। आठवां बिंदु देखते हैं, स्थानीय सांसदों विधायकों एवं जिलों में निवास कर रहे शहीदों के परिवार के सदस्यों को जिला मुख्यालय उपखंड एवं तहसील मुख्यालय पर आयोजित समारोह में आमंत्रित किया जाए तथा उनके उचित सम्मान के साथ बैठने की व्यवस्था की जाए। नवा बिंदु देखते हैं, कोरोना महामारी के कारण स्वतंत्रता सेनानियों एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर आमंत्रित नहीं किया जाए। इसके स्थान पर उन्हें शुभकामना कार्ड निवास के पते पर प्रेषित किया जावे जिसमें कोरोना के कारण उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर आमंत्रित नहीं किए जाने का भी उल्लेख होना चाहिए। इसका दसवां बिंदु देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों को आमंत्रित किया जावे तथा उनके उचित सम्मान के साथ बैठने की व्यवस्था की जावे। यह व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें आमंत्रित गण को यह महसूस हो कि उनका उचित सम्मान किया गया है। साहित्य कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जावे। ग्यारहवां देखते हैं, भारत रत्न राजस्थान रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण तथा पद्म श्री उपाधि एवं अर्जुन पुरस्कार परमवीर चक्र महावीर चक्र शौर्य चक्र प्राप्तकर्ताओं तथा राज्य स्तर जिला स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को भी आमंत्रित किया जावे। इसका बारहवां बिंदु देखते हैं, उपखंड स्तर के समारोह में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराने का कार्य किया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा। तेरहवां बिंदु देखते हैं, पंचायत मुख्यालयों पर सरपंचों द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जाएगी। जिन स्थानों पर पंचायत नगर निकाय में चुनाव उपचुनाव संभावित हैं उन पंचायत नगर निकायों के मुख्यालयों एवं बड़े बड़े गाँवों में समारोह में प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय इत्यादि में से जो भी उच्च स्तर का सरकारी विद्यालय होगा उसके प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जाएगी। इसका पंद्रवा एवं अंतिम बिंदु देखते हैं, नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव उपचुनाव होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जावे। साथियों, ये थे माननीय सरकार द्वारा जो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए अनमोल टीचर्स को एजुकेशन संबंधी वीडियो तुरंत पाने के लिए।